कैसे हो आप सब लोग। आज हम पल्लव से महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले क्लास में देखा था अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के उल्म नगर में 14 मार्च 1879 में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही अभावों में, गरीबी में बीता था। वे बहुत ही शर्मसार किस्म के व्यक्ति थे, शर्मीले किस्म के व्यक्ति थे। रादर वी कैन से वो बहुत ही शर्मीले किस्म का बच्चा था और इसके कारण वो लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, अपने में ही रहता था। वो अपने आप में कुछ चीज़ों को लेकर खेलना पसंद करता था, जैसे उसके पिता द्वारा दिए गए चुंबकीय कंपास और ज्यामिति। इन सब चीज़ों को लेकर खेलना पसंद करता था। अपने चाचा द्वारा दिए गए गणित मतलब मैथ्स और विज्ञान तथा विज्ञान अर्थात साइंस, मैथ्स एंड साइंस की चीज़ें सॉल्व करना, मैथ्स और साइंस को लेकर पठन पाठन करना उन्हें अच्छा लगता था, उसमें उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक पेटेंट कार्यालय में नौकरी क्लर्क की मिली थी, लेकिन उस समय भी वह शोध कार्य मतलब रिसर्च वर्क, शोध का अर्थ है रिसर्च वर्क शोध कार्य करते रहे। अच्छा, उसका क्या फल निकला आगे हम देखते हैं। उनके मस्तिष्क में सिर्फ विज्ञान का सत्य घूमता था। उनके एक एक करके 5 लेख भौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशित, फिजिक्स के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में उनके द्वारा किए गए पांच रिसर्च वर्क प्रकाशित किए गए और लोग पढ़ के हैरान रह गए। उनके काम की सराहना की गई, लोगों में उनका सम्मान बढ़ा, लोग उन्हें बहुत इज्जत करने लगे। इन लेखों के छपने के बाद शोहरत के साथ साथ उन्हें सम्मान भी मिलता गया। शोहरत के साथ साथ उन्हें बहुत इज्जत मिली, बहुत सम्मान मिला। सन 95 ईस्वी में इन्होंने सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आइंस्टाइन के इन सिद्धांतों ने भौतिकी में क्रांति उत्पन्न कर दी। ये जो 5 शोध कार्य के रिपोर्ट्स या आप कह सकते हो 5 लेख इन्होंने लिखे थे, इससे फिजिक्स के जैसे रूल्स ही बदल डाले। भौतिकी के प्राचीन नियमों के अनुसार यह एक स्वीकृत तथ्य था कि पदार्थ मतलब मैटर को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। मैटर ना बनाया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय नष्ट खराब किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने खोज की कि पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को मैटर में मतलब मैटर पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टाइन अपने युग के महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सत्य के पुजारी भी थे।
इनका कहना था कि मनुष्य की सेवा से बढ़कर दूसरा कार्य नहीं है। वे गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने कहा था, आने वाली पीढ़ियों में लोग मुश्किल से विश्वास करेंगे कि इस धरती पर गांधी जी जैसा कोई व्यक्ति सचमुच रहा था। वो गांधी जी को बहुत मानते थे। जिस तरह गांधी जी सच के पथ पर चलते थे, सत्य की राह पर चलते थे, उसी प्रकार वो भी सच की राह पर चलने वाले इंसान थे। और उनका ये कहना था विज्ञान के विषय में कि विज्ञानम सुंदरम, मतलब विज्ञान बहुत ही सुंदर चीज है। बच्चों, ये चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे और नीचे दिए गए शब्दार्थ अच्छे को लर्न करोगे और उसको अच्छी तरह से लर्न करोगे और उसको लिखोगे। एक और काम आपके लिए है बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में साइंस से रिलेटेड जितने भी शब्द है उसको आप अंडरलाइन करोगे, करके उसको आप अपने कॉपी में लिखोगे। बच्चों, पेंसिल हाथ में लो, पेंसिल लो हाथ में। बच्चों, मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप साइंस से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कीजिए। ले ली आपने पेंसिल हाथ में? चलिए हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है चिकित्सक। चिकित्सक मतलब डॉक्टर। डॉक्टर साइंस से रिलेटेड शब्द है। नेक्स्ट शब्द है चुंबकीय कंपास। अगला शब्द है ज्यामिति, चुंबकीय कंपास। अगला शब्द है ज्यामिति। अगला शब्द है गणित। उसके बाद वाला शब्द है विज्ञान। उसके बाद वाला शब्द है पेटेंट। उसके बाद वाला शब्द है शोध। शोध मतलब रिसर्च, शोध या अनुसंधान। अनुसंधान को भी रिसर्च कह सकते हैं। भौतिकी, अगला शब्द है भौतिकी। अगला शब्द है पदार्थ। नेक्स्ट है, अच्छा, पदार्थ के साथ आप मैटर को भी अंडरलाइन करोगे। ऊर्जा, ऊर्जा अंडरलाइन कीजिए। बच्चों, ये जो आपके द्वारा अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, जिन शब्दों को अंडरलाइन करवाया है, वो शब्द आप अच्छी तरह से लर्न करोगे और अपने कॉपी में लिखोगे, ठीक है? अच्छा, और आपका होमवर्क ये वाला भी है कि आप वर्ड मीनिंग करोगे। हम अपने अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे, हम अपने अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फिर मैं क्वेश्चन लिखकर, क्वेश्चन आंसर लिखकर आपको लिंक में दे दूंगी। आप उसको लिंक से कॉपी करके लिख लीजिएगा। धन्यवाद।